हाँ रमेश जी, आपका माल रेडी है। अरे रेट की टेंशन मत कीजिए। हाँ हाँ, लड़के को भेज दीजिए। सही कर रहे हो, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे डीलर से धोखा, उसके एरिया में कम रेट पर माल डलवा रहे हो। इसमें गलत क्या है? अपन को तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, बस। चलो ठीक है, एक बार तुमने अपना प्रॉफिट बढ़ा भी लिया, पर इससे जो मार्केट खराब होगा उसका क्या? और दूसरे डीलर ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया, फिर जल्दी माल नहीं निकालेंगे तो कंपनी की स्कीम कैसे पूरी करेंगे? वाह, एक स्कीम के पीछे अपनी इज्जत और कंपनी की गुडविल दोनों खराब करोगे, और स्कीम के बाद फिर क्या? तो क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? अरे अपने मार्केट पर मेहनत करो, नए रिटेलर्स जोड़ो और हमेशा के लिए अपनी सेल बढ़ाओ। दूसरों से आगे बढ़ना है तो बस यही एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट? अगर कंपनी को पता चल गया तो डीलरशिप ही चली जाएगी। अरे लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। पहले मेरी सुनो, तुमने तो बहुत सी कंपनियों के साथ काम किया है ना, सब यही बोलते हैं, मार्जिन छोड़ो और सेल बढ़ाओ। सिर्फ ओसवाल ही एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने डीलर्स को कभी मार्जिन कम करने के लिए नहीं कहा और ना ही उन पर टारगेट का कोई प्रेशर डाला है। अच्छे डीलर्स को हमेशा अपने साथ लेकर चली है ये कंपनी। हमें इस कंपनी की इतनी क्यों पड़ी है? क्योंकि इस कंपनी के नाम की वजह से ही आज मार्केट में तुम्हारी इतनी इज्जत है। ये कंपनी एक फलदार पेड़ की तरह है, अगर हम आपस में ही एक दूसरे का हिस्सा मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए ईमानदारी से अपना अपना काम करो, इसी में कंपनी और हम सब की भलाई है। हाँ हेलो रमेश जी, भाई आपके माल का नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, बात रेट की नहीं है, बात ईमानदारी की है। आप अपने एरिया के डीलर से बात कीजिए, किसी दूसरे डीलर के एरिया में माल बेचना आपके और कंपनी दोनों के लिए नुकसानदेह है। ऐसा करने पर आपकी डीलरशिप तक कैंसिल हो सकती है। अगर कोई और डीलर ऐसा कर रहा है तो उसकी जानकारी हमें इस नंबर पर दें।